Happy Christmas. एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मोहल्ला जा रहे हैं हम लोग। नहीं आज एक्चुअली दोपहर का इन्होंने पेपर पढ़ा है तो शायद आजमगढ़। आप बताइए क्या आज हमने अखबार में सुबह पढ़ा कि आजमगढ़ महोत्सव मनाया जा रहा है लखनऊ में। तो चूंकि मैं आजमगढ़ से हूँ और आजमगढ़ में अभी हाल ही में आजमगढ़ महोत्सव हुआ था लेकिन अपने काम के सिलसिले में व्यस्त रहने के कारण मैं जा नहीं पाया। तो जैसे ही आज मैंने पढ़ा मुझे काफी एक्साइटमेंट हुआ तो अपने फैमिली को लेके जा रहा हूँ। आज ही इसका उद्घाटन हो रहा है और ये 15 जनवरी तक चलेगा। अब वहाँ हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं आजमगढ़ की क्या खासियत और क्या चीजें हैं। बाकी तो मैडम शिवानी राय हैं, ये बताएंगी आप लोगों को क्या क्या वहाँ पे मिल रहा है, क्या देखने को है, क्या खाने को है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बार जा रहे हैं हम लोग इस तरह के फंक्शन में जहाँ पे अपने जिला से अपने डिस्ट्रिक्ट से चीजें आई हैं, लोग आए हैं, कलाकार आए हैं और वहाँ की फेमस चीजें आज ही स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो वो उसको देखने का और बच्चों को दिखाने का काफी मुझे मन था और इसलिए हम लोग जा रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया हम लोग जा रहे हैं आजमगढ़ महोत्सव में। शायद लखनऊ पहली बार लग रहा है ये, और इस साल लखनऊ महोत्सव भी हम लोग का लगा नहीं है। शायद 17 जनवरी से लगने वाला है लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस साल नहीं लगेगा, तो वो तो मैं वेट ही करती रह गई। चलिए आजमगढ़ महोत्सव चलते हैं लखनऊ से। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ और मुझे एक वहाँ पे स्पेशल मिट्टी के बर्तन आते निजामाबाद वाले, तो वो मतलब नॉन स्टिक बर्तन होते हैं बट उसमें कोई पॉलिशिंग नहीं होती है। तो वो अगर बर्तन मिलेगा तो वो मैं जरूर खरीदूंगी, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और अभी दोपहर का 2 बज रहा है और चलिए चलते हैं आजमगढ़ महोत्सव और दिखाते हैं आप लोगों को। और हाँ, लखनऊ में जो लोग भी हैं मैं वीडियो आज ही अपलोड भी कर दूंगी, आज फर्स्ट डे है। तो टोटल 17 कितने दिन तक रहेगा? 15 तक रहेगा। हाँ तो 15 तक रहेगा, तो आप लोग भी अगर चाहें तो जा सकते हैं। और कहाँ पे है ये? ये फन मॉल के सामने पर्यटन विभाग के बिल्डिंग में है। हाँ तो जो फन मॉल है उसके सामने पर्यटन विभाग की बिल्डिंग में लगा हुआ है और मुझे भी बिल्कुल इसका कोई आइडिया नहीं था। और मैं तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, कोई भी मेला या महोत्सव मुझे पसंद है। तो इन्होंने बोला तो मैं फटाफट रेडी हो गई हूँ और आप लोगों के साथ ये वीडियो में फटाफट हो गई हूँ। 2 घंटा लगा, 2 घंटे तो लग ही जाएंगे ना। खाना बनाओ, खाना खिलाओ। खैर मैंने कुछ नहीं खाया, बच्चों को खाना खिला दिया मैंने, क्योंकि बच्चों के हिसाब से कुछ चीज़ें मिलती नहीं है वहाँ पे। तो फिर चलते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं आप लोगों को और थोड़ी देर में लोग पहुँच जाएंगे। और यूथ फेस्टिवल का सामने आप बोर्ड देख रहे हैं, तो 12 से 16 जनवरी यूथ फेस्टिवल है यहाँ पे और मोदी जी आएंगे ना इसमें। हाँ। तो नरेंद्र मोदी भी लखनऊ में आने वाले हैं और फिलहाल हम लोग एक महोत्सव में जा रहे हैं। और देखिए ये मेरे लिप्स पे इन्फेक्शन हो गया इसीलिए इन दिनों मैं वीडियो ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। अभी फिलहाल ड्राई हो चुका है यहाँ पे, कुछ होता है फीवर वगैरह की वजह से, दवा खाओ उसकी वजह से हो गया है। सो चलिए चलते हैं लखनऊ महोत्सव। और पीछे देखिए नैना नील लेना। हाँ उल्टी आ रही है आपको। हम लोग इस समय है कालिदास मार्ग के लोहिया पथ पे चढ़ने वाले हैं और ये बगल में यहाँ की यूपी के मुख्यमंत्री आवास है। कहाँ? चौराहे से राइट। चलिए चलिए। तो कालिदास मार्ग कहा जाता है, 5 नंबर बगले में मुख्यमंत्री जी रहते हैं। ओके ओके, चलते हैं दिखाते हैं आपको क्या क्या है। और मैं बस एक चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ कि अगर वो एक मुझे बर्तन लेने हैं, निजामाबाद में बहुत फेमस बर्तन मिलते हैं जो नॉन स्टिक होते हैं, मैं दिखाऊंगी। वो लोहा मिट्टी के बर्तन बोले जाते हैं, वो कढ़ाई मतलब फूट भी जाती है लोग बोलते हैं, बट उसको संभाल के रखिए तो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी वो और उससे का कोई साइड इफेक्ट नहीं। जैसे कि हम लोग नॉन स्टिक के बर्तन लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है, बट वो जो कढ़ाई होती है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और बहुत अच्छी कढ़ाई होती है। तो वो और हांडी लेना है इनको, तो वहाँ चलते हैं दिखाते हैं आपको क्या क्या है। Oh,
पहुंच चुके हैं हम लोग और चलिए चलते हैं अंदर। वो क्लीन कैसे करना है? आईएफसी कोड भी दे रहा हूँ। ये कब तक चलेगा? 6 दिन तक चलेगा, 15। पहले तो देख ले क्या क्या है, क्या क्या प्राइस है इसका, क्या प्राइस है इस वाले वाले का? इसका 450 रुपये है, उसका 350। चलो व्हाइट वाली वो साड़ी है, व्हाइट कलर की किस चीज की है? ये लोग खुद, आप लोग खुद बनाते हैं ये साड़ियाँ? हम लोग खुद। ये चीनिया इसको कहते हैं, ये चीनिया धागा का है सिल्क में। ओके बढ़िया है, सर देखो ये अच्छी लग रही है ना। कितने का है ये? 10,000। लेकिन भाई ये वो है क्या, ड्राई वाश पुरानी साड़ी बेच रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो तो टैग लगा हुआ नहीं, ये वो नहीं, टोकन नंबर है। जैसे ड्राई वाश की साड़ियों में जो टैग लगाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम लोग ये स्टॉक में टोकन नंबर नहीं लगेगा तो कैसे मालूम होगा? ये 10,000 लायक है यार साड़ी। अरे आवाज़ें सब पढ़ दिए, यही शोरूम में 30,000 कहते हैं, यही साड़ी का 10,000 की साड़ी सही है, सिल्क है ये। तो डिफेक्टेड लग रही है, देखो हाँ वही निकाले। नहीं नहीं वो नहीं, उसके बगल वाली ये। हाँ कितने की है? 9,000। क्या प्राइस है इसका? 8,500 का, खोल के देखो। 24,000 की साड़ी, 24,000 की साड़ी लग भी रही है कुछ अलग ना, रेट रहेगा तो कुछ काम भी। मिट्टी का बॉटल, नैना छुओ मत टूट जाएगा, नैना छुओ मत, नैना नहीं गिरा देगा यार। मैं बेटा दूर रहो। मिट्टी का बॉटल, नैना मत छुओ, तुम लोग दूर रहो। ये कैसे भैया? चलो 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 चलो, आओ कम मुंह सही करो। बस आप लोगों ने जैसा देखा कि सिल्क की चीज़ें थी वहाँ पे और क्ले पॉट था, मिट्टी के बर्तन, और जो चीज़ मैं लेने गई थी वो चीज़ नहीं आया था एग्जीबिशन में। मुझे लोहा मिट्टी वाली कढ़ाई लेनी थी, निज़ामाबाद के जो सिल्क के, जिनको सिल्क पहनना पसंद है
वो यहाँ पर एक बार आके जरूर चेकआउट करें, क्योंकि सिल्क का असम कलेक्शन था, साड़ियाँ बहुत अच्छी थी, दुपट्टे वगैरह बहुत अच्छे अच्छे थे। और कुछ एक्चुअली आज फर्स्ट डे और तुरंत हम लोग चले गए थे, तो कुछ इनके जो अभी शॉप है वो लगी नहीं है, वो भी लग जाएंगी, तो आप एक दो दिन बाद चाहे तो आके एक बार देख सकते हैं। बट हाँ, जो सिल्क पसंद करते हैं वो एक बार जरूर चेकआउट करें, साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी थी। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि क्या करें, और मेरा तो भाई मूवी जो मूवी देखने का बहुत शौक है, तो आज ताना जी और छपाक दोनों आ रही हैं, जैसा कि 10 जनवरी है आज, तो हम लोग एक्चुअली जाने वाले थे फिल्म देखने के लिए सैटरडे को, बट आज फ्राइडे है, तो मैंने इनसे बोला कि हम लोग बाहर निकल गए हैं और एग्जीबिशन भी हम लोगों ने देख लिया लखनऊ आजमगढ़ महोत्सव, और अभी बहुत सारा टाइम हमारा बचा हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ है लेने लायक, मुझे कुछ नहीं समझ में आया लेने के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ें थी सारी मेरे पास है, सिल्क का दुपट्टा भी है, सिल्क की साड़ी भी, और मैं बहुत ज़्यादा पहनती भी नहीं हूँ, तो लिया नहीं मैंने, और अब मैंने इनको तैयार किया और हम लोग जा रहे हैं ताना जी। मेरा छपाक देखने का मन था, बट इनको छपाक नहीं देखना है, इनको देखना है ताना जी। तो हम लोग जा रहे हैं सिनेपोलिस, और सामने फन है, लेकिन फन का जो टाइम है वो थोड़ा गड़बड़ है, तो हम लोग को 2 घंटे टाइम वेस्ट होता हम लोगों का। तो सिनेपोलिस में कितने बजे से सोए ताना जी का? 3:10। तो 3:10 से है, और अभी हम लोग के पास टाइम है, थोड़ा बहुत हम लोग फूड कोर्ट में खाएंगे और बच्चे थोड़ा झूला वगैरह झूलेंगे, और ताना जी का आप लोगों को एक अच्छा सा रिव्यू मैं आज जरूर दे दूंगी। तो इस जो ये ब्लॉग है इसमें 2 इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक तो आजमगढ़ महोत्सव का, दूसरा आपको ताना जी मूवी का एक ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा, तो जरूर देखिएगा ये ब्लॉग आगे जो ये कंटिन्यू चलेगा। और फूड कोर्ट में भी मैं आज अपनी पसंद की इडली डोसा और फिल्टर कॉफी खाएंगे, है ना, पियेंगे। सो और नैना क्या खाएगी? नैना बंजी जंपिंग करेगी। तो समोसे, ओके। तो बस हम लोग चल रहे हैं सिनेपोलिस, और हमारे घर के पास भी है, इसलिए हम लोग वहीं जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, फिर तुरंत हम लोग घर पहुंच जाएंगे अपने। सो ये है, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो पता है क्या करना है, चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। क्यों सब्सक्राइब ना करो? नहीं, सब्सक्राइब से पैसे नहीं खर्च होते, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, उससे कोई पैसे नहीं खर्च होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या वीडियो डाल रही हूँ। तो चलिए करते हैं कंटिन्यू, और फिलहाल हम लोग हैं कहाँ, सेवी ग्रैंड होटल दिख रहा सामने हमारे, जहाँ पे बच्चे थोड़ा दुखी हो गए, क्योंकि इन लोगों को वहाँ पे एक पार्क था लेकिन उसका रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था, तो हम लोग ले नहीं जा पाए अंदर, तो सिनेपोलिस में ही करवा देंगे झूला वगैरह जो भी करना है। और मैं शायद पहली बार लाइफ में फर्स्ट डे किसी मूवी का देखने जा रही हूँ, वरना सेकंड थर्ड पे हम लोग जाते हैं, पर फर्स्ट डे फर्स्ट तो नहीं है ना ये? हाँ, सेकंड होगा। हाँ, तो फर्स्ट डे सेकंड शो हम लोग ताना जी का आज देखेंगे, और मेरा लिए तो ये नया ही है, पहली बार, क्योंकि मैं कभी भी फर्स्ट डे कोई मूवी नहीं देखी हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट डे वाला होगा। चल चलिए, साइबर टावर देखिए ये लेके जा रहा है वही पे, 10-90 जाएगा, 10-90, और हम लोग वहाँ आएंगे अगर आएगी लाइन तो, वैसे लाएंगे नहीं, मुझे उम्मीद पूरी है। तो बस पहुँच चुके हैं हम लोग सिनेपोलिस, यहाँ पे मैं करूँगी बंजी जंपिंग सबसे पहले। बंजी जंपिंग यहाँ नहीं है, बंजी जंपिंग मेरे से तुम। हाँ, जाओ भैया इनको वो करवा दीजिए, ऊपर कुछ नहीं बेटा, यहीं पर है, मैं ऐसी मजाक कर रही थी, नील को आने दो।
फाइनली बच्चों को राइड से उतार के अब हम लोग जा रहे हैं सिनेपोलिस, क्योंकि हमारे जो मूवी है वो 3:45 पे है और हम लोग के पास टाइम कम है। और यहाँ पे नैना को क्रिसमस ट्री दिखा, उसने बोला मेरी यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर लीजिए मम्मा। सो यहाँ फूड कोर्ट में हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया तो वो मैंने बिल्कुल भी सूट नहीं किया। और अब हम लोग आए हैं यहाँ पे टिकट लेने के लिए, और ताना जी की टिकट ली है इन्होंने, और छपाक नहीं देखेंगे, ताना जी देखेंगे। और ये मुझे आज ब्लैक करंट मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, तो वो मैं जो है मैंने कहा तो खा लेती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत मन हो रहा था आइसक्रीम खाने का। तो यहाँ पे बस वही मैं ब्लैक करंट ले रही हूँ, और इस भैया जो है इनसे आइसक्रीम ही नहीं निकल रही है, बार बार बेचारे फिर बॉक्स निकाल के ये आइसक्रीम निकालेंगे। तो यहाँ पे बस मैं आइसक्रीम ले रही हूँ, और ये फूड कोर्ट है, और फूड कोर्ट के ऊपर इनका सिनेपोलिस, और टिकट हम लोगों ने ले ली है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस हम लोग खाना वगैरह खा के मूवी देखेंगे, और मूवी में तो कुछ शूट नहीं करूँगी, घर जाके मैं आप लोगों को इसका रिव्यू ज़रूर दूंगी। तो बस हम लोग ताना जी मूवी देख के घर आ चुके हैं, और इस समय 7:10 हो रहा है शाम का। और ताना जी का अगर रिव्यू पूछें आप तो मैं यही बोलूँगी कि मेरा तो छपाक देखने का ज़्यादा मन था, बट हस्बैंड का मन था ताना जी देखने का। तो मैं पूरी तरीके से कहूँगी कि बहुत अच्छा फैसला था उनका कि हम लोग ताना जी देखने जाएँ, क्योंकि फिल्म देख के मुझे बहुत मज़ा आई। और सच में एक उरी बनी थी, और उरी के बाद अगर कोई दूसरी अच्छी फिल्म मुझे लगी है जो जिसको मैं 5 में 5 और 10 में 10 मार्क्स दूंगी, वो है ताना जी। क्या एक्शन है, क्या मतलब जो हमारी हिस्ट्री में दबा हुआ सत्य घटना उस पर आधारित ये फिल्म है। और शिवाजी के एक सूबेदार थे मतलब ताना जी, उनका ये जो रियल में उन्होंने किया था उस पर पूरा बेस्ड है फिल्म। और ज़्यादा मैं यहाँ पे चीज़ें नहीं आप लोगों को बताऊँगी, और बस इतना कहूँगी कि ये फिल्म आप लोग देख के आएंगे तो जैसे मुझे बहुत पसंद आई है आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगी। और छपाक और इन दोनों में अगर देखने के लिए मैं बोलूँ, जैसे मेरा भी मन था छपाक देखने का, बट ताना जी देख के मुझे ये महसूस हुआ कि कुछ नया देख के आए, क्योंकि ताना जी की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और हिस्ट्री में भी मैंने मुझे नहीं याद है कि मैंने ताना जी का पढ़ा है, बट हाँ हस्बैंड को हिस्ट्री का बहुत शौक है तो उन्होंने ताना जी की स्टोरी पढ़ी थी, और बिल्कुल ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। और आई एम सो हैप्पी कि ये जो फैसला था उनका हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा था आज की मूवी में, मैं क्योंकि हम दोनों की कन्फ्यूज़न चल रही थी। सो और दूसरा है जो छपाक है, उसकी स्टोरी तो ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी अग्रवाल जो जिनके ऊपर ये एसिड फेंका गया था वो खुद ही कितनी बार मंच पे आके अपनी स्टोरी बता चुकी हैं, तो इसकी स्टोरी सबको पता है। हाँ बट वो भी फिल्म अच्छी है, लेकिन कुछ नयापन सा नहीं है उसमें। बस ये जो ताना जी है इसका स्टोरी और एक्शन, और जो अजय देवगन है उन्होंने बिल्कुल माइंड ब्लोइंग इसमें काम किया है, और सबसे ज़्यादा उन्हीं का लीड रोल है इसमें। और काजोल इनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है, तो उनको तो बहुत छोटा सा ही रोल है, ज़्यादा उनका रोल नहीं है, बट बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है वो, बहुत अच्छे से खुद को मेंटेन रखा उन्होंने। और जितना वो पहले की फिल्मों में नहीं अच्छी दिखती थी उतना वो मुझे ताना जी में अच्छी दिखी हैं। और साथ ही साथ इसमें सैफ अली खान, उनका भी जो रोल है बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से सबने अपना अपना किरदार निभाया है, और जो हमारी हिस्ट्री में दबी हुई घटना थी उस पर ये पूरी फिल्म बनी है, और मुझे बहुत अच्छी लगी। सो ये है मेरा ताना जी के लिए रिव्यू कि ये मस्ट वॉच फिल्म है, और आप लोग अपने नियरेस्ट सिनेमाघर में जाइए और इस फिल्म को ज़रूर देखिए, और सबको बहुत पसंद आएगी पूरी उम्मीद है मुझे, क्योंकि इसमें कुछ भी फालतू नहीं, कहीं भी बोरिंग नहीं, शुरू से लेकर आखिरी तक कभी ऐसा नहीं होता कि आपको सीट छोड़ने का मन हो, गाने भी बहुत ही कम है और माइंड ब्लोइंग सुपर डुपर हिट। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए, और हाँ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, और अच्छी लगे तो शेयर कर दे सबके साथ। और ताना जी देखिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ताना जी। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।